हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम देखते हैं जीएसटी के बारे में। ये विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में, और भारत में जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से। तो 1 जुलाई को आपको पता होना चाहिए जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और जो भारत में लागू हुआ है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप जो फुल फॉर्म है उसका है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर बोला जाता है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, ठीक। और जो पास हुआ था जीएसटी विधेयक, इसमें कुल 336 वोट इसके पक्ष में थे और विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी को 3 अगस्त 2016 को पास किया गया था और राज्यसभा में ये 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। और जीएसटी पर जो बिल है इसकी पर मंजूरी दी गई थी राष्ट्रपति द्वारा 8 सितंबर 2016 को। आपको पता होना चाहिए कि जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक कोई भी कानून विधेयक के रूप में रहता है। जैसे ही राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो ये जो जीएसटी है ये 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी के तहत अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष गंतव्य आधारित कर शामिल है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था, ठीक। जीएसटी का मुख्यालय है जो वो दिल्ली में है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे, ठीक। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य था असम, वो अंतिम राज्य था जम्मू कश्मीर। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया था, 23 अधिभार को शामिल किया गया था। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की थी, 5, 12, 18 और 28। संविधान में जीएसटी परिषद को एक अनुच्छेद जोड़ा गया जो है 279A। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 में की गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या होती है 33। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट अधिकार दिए गए हैं। जीएसटी है जो इसे 3 भागों में बांटा गया है, CGST, SGST और IGST। SGST का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। IGST है जो इसे अनुच्छेद 269A में रखा गया है। SGST राज्य सरकार लगाती है और CGST केंद्र सरकार लगाती है। आपको पता होना चाहिए शराब, पेट्रोलियम वस्तु, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। और जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भुगतान आवश्यक होता है। और कई राज्यों में, विशेष राज्यों में 10 यह सीमा 10 लाख रखी गई है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे, ठीक। चलिए दोस्तों, हमने जीएसटी के बारे में देख लिया है पूरा। इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं।